बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, ओपन योर न्यू काउंटडाउन बुक पेज नंबर 77। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 एंड 100। इन डेसिमल्स को हमने 10 से भी मल्टीप्लाई करना है और 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आप ओपन करें पेज नंबर 66। यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लाई अ डेसिमल, मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना। वी नो दैट व्हेन अ होल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10, द नंबर मूव्स वन कॉलम टू द लेफ्ट इन द प्लेस वैल्यू टेबल। जो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था कि जब हम एक नंबर को, होल नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे जो हमने प्लेस वैल्यू टेबल लिखा होता था उसमें हम उस नंबर को वन कॉलम लेफ्ट साइड पे मूव कर देते थे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 10, जब हम एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी अप्लाई द सेम रूल एज़ फॉर होल नंबर। जैसे हमने होल नंबर के लिए रूल अप्लाई किया था, वही सेम रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मूव वन कॉलम टू द लेफ्ट, हम वन कॉलम लेफ्ट उसको मूव कर देंगे। अब यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लेंगे अपना। यहाँ पे हम सारे प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे और अपना क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है 59.6। यहाँ पे हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 ये लिखते हैं। और जब हम डेसिमल नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे फिर हम पॉइंट लिखते हैं, वंस के बाद, वंस से पहले यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद हम ये लिखते हैं टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंथ। ये हम स्मॉल टी यूज़ करेंगे, हंड्रेड भी स्मॉल एच यूज़ करेंगे, थाउजेंड के लिए भी टी एच स्मॉल यूज़ करेंगे। होल नंबर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये हम कैपिटल नंबर्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद जो टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड होगा, इसके लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे। और अब हम देखते हैं कि हमने 59.6 इसको हमने 10 से भी मल्टीप्लाई करना है और 100 से भी मल्टीप्लाई करना है। जब हम 59.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको वन कॉलम लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। यहाँ पे ये 59.6 था, इसको अब 5 को हम यहाँ पे मूव कर देंगे, 9 को हम यहाँ पे मूव कर देंगे और ये जो 6 है यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट और इधर ज़ीरो आ जाएगा। 59.6 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 596। इसको हमने वन कॉलम लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया है। अब जब हम इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको टू कॉलम लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इधर भी ज़ीरो आ जाएगा। 59.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 596 आएगा और 59.6 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5960 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये नंबर है 129.8, ये आपका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको वन कॉलम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, वन यहाँ पे आ जाएगा। ये 100 की जगह पे था ना प्लेस वैल्यू टेबल में, ये अब 1000 की जगह पे आ जाएगा। 2 जो है ये 10 की जगह पे था, अब ये 100 की जगह पे आ जाएगा। 9 यहाँ आ जाएगा और ये 8 इधर आ जाएगा, इधर हम ज़ीरो लगा देंगे। जब हम 129.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू कॉलम लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए टेबल बनाया है यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक ना कर सको और आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे आपका सी और डी पार्ट भी है, ए और बी मैंने सॉल्व कर दिया है। सी और डी पार्ट आप अपनी रफ़ नोटबुक पे प्लेस वैल्यू टेबल बना के उसके नीचे वैल्यूज लिख के आप उनको कॉलम को मूव करके तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ लिख लें। नाउ ओपन पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 7, परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। इन सम्स पे हमने डिवीजन परफॉर्म करनी है। डेसिमल नंबर से हमारे पास 3.18, उसको हमने 10 से डिवाइड करना है।
ये सारे नंबर्स हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, उनको हमने 10 से डिवाइड करना है या 100 से या 1000 से डिवाइड करना है। इसके लिए आप पेज ओपन करो, पेज नंबर 71। यहाँ पे है इफ़ डिवाइडेड बाय 10 वन नंबर मूव्स कॉलम वन कॉलम टू द राइट। जब हम एक डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हम अपने नंबर को वन डिजिट जो है वो राइट साइड पे, वन कॉलम राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। इफ़ डिवाइडेड बाय 100, अगर हम अपने डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, आवर नंबर मूव्स टू कॉलम्स टू द राइट। तो हमारा जो नंबर है, अगर ये डेसिमल नंबर है, इसको हमने 100 से डिवाइड करना है तो हम इसको टू कॉलम्स राइट साइड पे मूव करेंगे। इफ़ डिवाइडेड बाय 1000, आवर नंबर मूव्स थ्री कॉलम्स टू द राइट। अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं अपने नंबर को, डेसिमल नंबर को, तो हम थ्री कॉलम्स राइट साइड पे नंबर को मूव कर देंगे। अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है हमारे पास 3.18। इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया, 3.18 हमने इस तरह से लिख लिया। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, 3.18 डिवाइडेड बाय 10 है। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है ये वन कॉलम राइट साइड पे मूव हो जाएगा, राइट साइड पे, इस साइड पे ये मूव होगा। यहाँ पे अगर 3 है तो ये इस साइड पे मूव हो जाएगा, वन कॉलम राइट साइड पे मूव हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, वन यहाँ पे मूव हो जाएगा और 8 यहाँ पे मूव हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की जगह पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमने 3.18 को 10 से डिवाइड किया है तो हम इस नंबर को वन कॉलम राइट साइड पे मूव कर लेंगे, तो हमारे पास 0.318 आ जाएगा जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास बी पार्ट है 6.51 डिवाइडेड बाय 100। 6.51 को हमने 100 से डिवाइड करना है तो हम इसको टू कॉलम राइट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं टू कॉलम्स राइट साइड पे, 1 और 2 यहाँ पे छोड़ के इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, 6, 5, 1, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। जब हम 6.51 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.0651 आ जाएगा। 5 क्लास, इसी तरह से आपके पास ये इसके सी और डी पार्ट हैं, आप इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 6.24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वन कॉलम राइट साइड पे मूव हो जाएगा, यहाँ पे 0.624 आ जाएगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी रफ नोटबुक पे प्लेस वैल्यू टेबल बना के, चार्ट बना के उसके नीचे वैल्यूज़ को लिखेंगे तो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3.6 है हमारे पास डिवाइडेड ब्लैंक इक्वल्स टू 0.36, के 3.6 को हम किस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.36 आएगा। तो हम इसको यहाँ पे 3.6 है ना, इसको ये पॉइंट एक डिजिट मूव हुआ है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन डिजिट राइट साइड पे मूव हो जाएगा, 0.36 यहाँ पे आ जाएगा। बी पार्ट है 4.8 डिवाइडेड बाय 100। जब हम 4.8 को किस से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.048 आएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ से मूव हुआ है टू डिजिट्स, 4 के बाद पॉइंट था ना, और अब यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 1 और 2। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4, टू डिजिट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे 1 के साथ 2 0 लगाएंगे, मतलब 4.8 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.048 आएगा। पहले पॉइंट यहाँ पे था ना, 4 के बाद था पॉइंट, और अब पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पे 100 आएगा। फिर सिमिलरली सी पार्ट होगा 1.92, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0.192 आ जाएगा हमारे पास। ये वन डिजिट पॉइंट मूव हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हम 10 लगा लेंगे। पहले 1 के बाद पॉइंट था ना, अब यहाँ पे 1 से पहले पॉइंट है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 1 के साथ 1010 आ जाएगा। 8.74 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 0.08 आएगा, 8.7 था, 8 के बाद पॉइंट आ रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे।
फाइव क्लास. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया था. अब हमने डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लीकेशन वैसे ही सिंपल है जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, अभी तक करते आ रहे हैं. 6.6 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है. आप सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आपने पहले किया हुआ. 7 6 42, 2 यहाँ पे आएगा, 4 कैरी, 7 6 42, इसमें 4 ऐड करेंगे 46 आ जाएगा. यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 0 6 0 एंड 0 6 0, यहाँ पे इनको ऐड करके लिख लेंगे. अब बारी आती है पॉइंट लगाने की. डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है और ये भी डेसिमल नंबर है. ये 1 पॉइंट डेसिमल नंबर है, ये भी पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1 और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1, तो हम इनको काउंट कर लेंगे 1 एंड 1 2. तो आंसर में हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे. इस साइड से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2, 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे. क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट भी सेम है, सी पार्ट भी सेम है, डी पार्ट भी सेम है. आप ई पार्ट देखें, यहाँ पे 1.35 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर नीचे आया था 0810. तो अब हमने पॉइंट लगाना है इस नंबर को. हम देखेंगे ये डेसिमल, ये 2 पॉइंट डेसिमल नंबर है, 2 प्लेसेस यहाँ पे 1 एंड 2, और ये 1 प्लेस डेसिमल नंबर है, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स बन रहे हैं. तो यहाँ पे हम 1 2 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे. यहाँ पे भी हम काउंट करेंगे 3.78, इसको 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उसके बाद आंसर में हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3. पॉइंट के इस साइड पे, राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे उनको काउंट करके हम आंसर में जो है वो पॉइंट लगाएंगे. यहाँ से 1 2 एंड 3, 3 नंबर्स बन रहे हैं. यहाँ से हम 3 डिजिट्स 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे. जी और एच पार्ट भी हम वैसे ही करेंगे बिल्कुल. यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 एंड 3, 1 2 3 पॉइंट्स के डिजिट्स के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिए. बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते आ रहे हैं. यहाँ पे हम इसलिए इनको भी काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये भी डेसिमल नंबर है और ये भी डेसिमल नंबर है. इस वजह से हम दोनों के पॉइंट्स को काउंट करेंगे 1 2 एंड 3. यहाँ पे 1 2 3 के डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया. आपने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करना है. बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अल्लाह हाफिज़.